नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद ही खास विषय लेकर हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पे हम नज़र डाल लेते हैं। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे गेहूं की फसल के प्रबंधन के बारे में, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए, और इसके साथ ही बात करेंगे लीची के बागों में होने वाले समसामयिक कार्यों के बारे में, यानी यहाँ भी किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए जिससे अच्छा फलन आपको आने वाले समय में मिल सके। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या किस तरह की समस्या का सामना आपको करना पड़ता है अगर आप गेहूं की फसल लेते हैं या लीची की फसल, तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हैं 1800-1130-60, 1800-1130-61। इन दोनों नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन आप बता दें, ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com और आपके सवाल जो हमारे पास आएंगे उस पर जवाब देने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर दिनेश। धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जयपाल सिंह जी, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं पूर्वी क्षेत्र अनुसंधान केंद्र रांची झारखंड से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर जयपाल। जैसा आपने आपको बताया कि पहले हम बात करेंगे हमारी प्रमुख फसल गेहूं के बारे में। देखिए, लगातार जब हम कहते हैं कि हमारी प्रमुख फसल और रिकॉर्ड उत्पादन की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रबंधन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर दिनेश, जब हम प्रबंधन की बात करते हैं, किस अवस्था में है अभी हमारी फसल और कौन कौन से कृषि कार्य हैं जो कि बेहद ज़रूरी माने जाते हैं? जी बिल्कुल, गेहूं की फसल इस समय पे लगभग 4-4.5 महीने की हो चुकी है और ज़्यादातर क्या सारी फसल में फूल अवस्था पास हो चुकी है, यानी फूल आने शुरू हो गए हैं और कहीं पर दूध बन रहा है और कहीं पर दूध बनने की जो एडवांस स्टेज है वो आ चुकी है। जी, कुल मिला के ये है कि ऐसे समय पर बहुत ज़रूरी है कि आप फसल की सुरक्षा करें, क्योंकि इस समय पर आपकी जो अभी तक की मेहनत है वो कामयाब होने वाली है। तो फसल में कीड़े मकोड़े बीमारी से प्रबंधन करें। खाद उर्वरकों की चिंता का कोई विषय नहीं है, ना खरपतवारों की इस समय पर चिंता करनी है। हाँ, अगर थोड़ी बहुत चिंता है तो हमें पानी लगाने पे, यानी सिंचाई प्रबंधन पे विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि सही समय पे सही अवस्था पर सही मात्रा में अगर पानी नहीं लगता है तो हमारी फसल गिर सकती है। बिल्कुल, तो देखिए सही समय पर सही प्रबंधन जो है उसका हमें ध्यान रखना होगा। फिर चाहे अभी सिंचाई की हम बात करें या इससे जुड़े कई और भी ऐसे कृषि कार्य हैं जो हमें फिर बिल्कुल सही समय पर करने चाहिए, कौन से वो कार्य हैं और किस तरह की सावधानी हमें रखनी होगी, इस बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। रबी की मुख्य फसल गेहूं इस समय ज्यादातर स्थानों में अपनी दूधिया अवस्था में है। ये वो समय है जब फसल को खास देखभाल की जरूरत होती है। इस समय होने वाली बारिश से कुछ फसलों में कीट लगने की आशंकाएं भी बढ़ गई है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वो फसल की सतत निगरानी करते रहें और सही समय पर उचित कदम उठाकर फसलों को नुकसान से बचाएं। गेहूं की फसल में ज्यादातर दो तरह के कीट का असर देखा गया है। पहला है सैनिक कीट और दूसरा है तना छेदक कीट। ये गेहूं के पौधे के तने में छेद कर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे पौधे मुरझाकर मर जाते हैं। इसके अलावा सैनिक सुंडी कीट ये पौधों के पत्तों पर हमला कर नुकसान पहुंचाती है। ये कीट खासकर पराली में नीचे की ओर जमीन में छिपे होते हैं जो फसल को हानि पहुंचाते हैं। इसके अलावा बुआई के 20 से 25 दिन पर 5 से 6 सेंटीमीटर की पहली सिंचाई करें, दूसरी सिंचाई 40 से 50 दिनों में कल्ले निकलते समय करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए संकरी व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए सल्फोस फ्यूरॉन 75WP की 33 ग्राम मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर पहली सिंचाई के बाद लेकिन 30 दिन की अवस्था से पहले छिड़काव करें। तो जाना आपने किस तरीके से जो प्रमुख कृषि कार्य हैं या प्रबंधन जो है उसका हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक कार्य जो है वो उसका सीधा असर हम देखते हैं हमारी फसल के उत्पादन पर। उत्पादन अगर हमें बेहतर चाहिए तो लगातार निगरानी हमें करनी चाहिए अपनी फसल की, और जो कृषि कार्य करने हैं सही समय पर वो भी पूरे किए जाने चाहिए। इसके साथ ही हमारे जो किसान लीची की खेती करते हैं वहाँ पर जो अभी का समय चल रहा है उन्हें किन बातों का ध्यान देना चाहिए और कैसे आने वाले समय में उन्हें अच्छा फलन मिल सकता है, इस बारे में भी
जी डॉक्टर जयपाल, आपसे जानकारी हम लेना चाहेंगे, फिलहाल अगर बात की जाए जो किसान लीची की बागवानी करते हैं, अभी किस तरह की अवस्था है और वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं? जी धन्यवाद किसान भाइयों, अभी देख रहे हैं कि लीची में पुष्पन की अवस्था है, कहीं पर फल जमाव हो चुका है और फल जमाव की जो अवस्था है वो चल रही है। परागण परपरागण जो कीट हैं जो परपरागण का कार्य करते हैं वह लीची में मुख्य रूप से चल रहा है। तो लीची का बहुत एक क्रिटिकल अवस्था है, इस अवस्था में आपको बहुत, क्योंकि यहीं से ही आपका साल भर की जो मेहनत है लीची में वो आपको इससे अवस्था से ध्यान रखने पर आपको अच्छा फलन मिलेगा। तो किसान भाई इस अवस्था में बहुत पहले से ध्यान दें, क्योंकि इस अवस्था के बाद में आपको बहुत सारे जो कृषि कार्य करने हैं उसमें से मुख्य रूप से आपको जल प्रबंधन है, पोषक तत्वों का प्रबंधन है, क्योंकि पोषक तत्व आपने पहले जो जमीन में दिए हैं लेकिन इस अवस्था के बाद में हमें फूलों और फलों पर देना है, तो पोषक तत्वों का प्रबंधन और सबसे महत्वपूर्ण जो समय है अभी कीट और जो बीमारियां हैं उनका प्रबंधन, कुछ जो एक दो जो महीना जो क्रिटिकल है अभी का उसी पे हमें ध्यान देना है, जो मुख्य रूप से अभी लीची पे करना है। चलिए बिल्कुल, इन बातों पर हमें ध्यान देना होगा जिससे आने वाले समय में, जैसा कि डॉक्टर जयपाल ने हमें बताया कि जो फल है उसका जमाव शुरू हो चुका है और आने वाले समय में उस फल की गुणवत्ता और भी बेहतर हो जिसके जरिए अच्छा लाभ आपको मिल सके, इस पर भी जोर देने की ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे जुड़ी हुई जानकारी और हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आइए नज़र डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। लीची की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु लीची के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। जनवरी फरवरी माह में मौसम साफ रहने पर जब तापमान में वृद्धि होती है और शुष्क जलवायु होती है तब इसकी खेती की जाती है। इससे अधिक मंजर लगते हैं जिससे ज्यादा फूल एवं फल आते हैं। अप्रैल मई में वातावरण में सामान्य आर्द्रता रहने से फलों में गूदे का विकास एवं गुणवत्ता में सुधार होता है। फल पकते समय वर्षा होने से फलों के रंगों पर प्रभाव पड़ता है। अगेती किस्म की लीची 15 से 30 मई के आसपास पक कर तैयार हो जाती है। वहीं मध्यम किस्म की लीची 1 से 20 जून तक पक कर तैयार हो जाती है, जबकि पछेती किस्म की लीची को पक कर तैयार होने में 10 से 25 जून तक का समय लगता है। लीची की खेती के लिए 5 से 7 पीएच मान वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा हल्की अम्लीय एवं लेटराइट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। जल भराव वाले क्षेत्र लीची के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसीलिए इसकी खेती जल निकास वाली मिट्टी में करना अच्छा परिणाम देता है। लीची को जुलाई से लेकर अक्टूबर तक रोपण किया जाना चाहिए। रोपण के पहले बाग के चारों तरफ वायुरोधक वृक्ष लगाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये सभी वृक्ष लीची को गर्म हवा से बचाते हैं। गड्ढों की खुदाई और भराई आम के पौधों की तरह करनी चाहिए। लीची के पौधे को सामान्य रूप से भूमि में 10 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। साथ ही शुष्क जलवायु और कम उपजाऊ वाली भूमि पर भी ये दूरी 8 मीटर की होनी चाहिए। रोपण के लिए स्वस्थ पौधों का चयन करना बेहद जरूरी है। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए जिससे बेहतर उत्पादन जो है, फलन जो है, वो आपको आने वाले समय में मिल सके। फिलहाल हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी हेलो, विपिन जी आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश हम कर रहे हैं इनका जो सवाल है वो हम तक पहुंच पाए, लेकिन आपके पास भी और भी कई विकल्प हैं। ईमेल के जरिए भी अगर आप चाहें तो अपना सवाल हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं। और आज के जो दोनों विषय हैं अपने आप में काफ़ी हैं, ना सिर्फ गेहूं की बात की जाए, लीची की हम बात करें, लेकिन डॉक्टर दिनेश जैसा कि आप बता रहे थे कि जब हम गेहूँ की फसल की बात करते हैं और अभी का ऐसा समय जो कि कहीं ना कहीं अगर वहाँ थोड़ी सी भी चूक हुई तो शायद उत्पादन जो है हमारा वो प्रभावित हो सकता है, लेकिन ऐसे में जब हम बात करते हैं जो जिस तरह की अवस्था भी चल रही है इसमें खासतौर से जो रोगिंग की हम बात करते हैं, आखिरकार जो रोगिंग की प्रक्रिया है वो क्या है और किस तरीके से जो किसान है ये करते हैं इसको समझ सकते हैं?
जी बिल्कुल, किसान भाइयों जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं फसल में दाने के लिए आप उत्पादन करते हैं और बीज के लिए उत्पादन करते हैं, खास करके ऐसे किसान भाई जो बीज के लिए उत्पादन कर रहे हैं उनको ये रोगिंग की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जी। रोगिंग का अर्थ ये होता है कि आपकी गेहूं की फसल में जो आपने एक खास किस्म लगाई है, एक खास वैरायटी या प्रजाति लगाई है, कई बार इस प्रजाति या किस्म के अलावा दूसरी किस्मों के पौधे भी उसमें उगाते हैं जी। और ये किसी भी तरह से वांछनीय नहीं होते। अगर आप बीज के लिए उत्पादन कर रहे हैं तो इस तरह के पौधों को आपको निकालना होगा। इसके लिए आप पहचान कर सकते हैं दूसरे तरह के पौधों की, अगर आपको वो लंबाई में ज़्यादा दिखाई दे, यानी जो जो आपकी किस्म लगी हो उस किस्म की तुलना में आपके अगर वो पौधे लंबाई ज़्यादा हो, पत्तों का रंग अलग हो या पत्तों का आकार अलग हो, बालियों की लंबाई देख के भी आप पहचान कर सकते हैं। कई तरीके हैं जिसके आधार पे आप जो दूसरी किस्मों के पौधे आ गए हैं उनकी पहचान करके उनको बाहर निकाल सकते हैं। और इसीलिए कहा भी जाता है कि लगातार निगरानी जो है वो हम करते रहें। फिलहाल विपिन जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं, कोशिश करते हैं इनका सवाल हमारे पास पहुँच पाए। विपिन जी, आवाज़ मिल पा रही आपको? हेलो विपिन जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए फिलहाल संपर्क। और रोगिंग में मुकुल जी एक चीज और थी कि भाई जो हमारे कंडवा रोग से ग्रसित पौधे हैं जी, कंडवा रोग जिसमें के काले रंग का पाउडर चूर्ण बन जाता है वो तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उस तरह की बालियों को आप खेत से दूर यानी निकाल के दूर आप दबा दें, यानी जो बालियां हैं उसमें हमें काले रंग का लगभग एक पाउडर जैसा दिखने लगता है जी। जी, तो उस तरह की बालियों को आप किसी पॉलीथीन में या किसी लिफाफे में रख के और खेत से दूर ले जाएं, जिससे कि जो दूसरी जो स्वस्थ बालियां हैं उस पे उसका जो काला चूर्ण है, पाउडर है, वो ना गिरे, ये सावधानी आपको रखनी होगी। चलिए बिल्कुल, देखिए सावधानियां जो हैं आपको अपनानी होगी। साथ ही यहाँ डॉक्टर जयपाल आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि अलग अलग कृषि कार्य जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं अभी के समय, और खासतौर से सिंचाई की अगर बात की जाए, क्योंकि हम देखते हैं कभी कभी वो प्रभावित करता है, ऐसे में किस तरीके से जो सिंचाई की बात आप बता रहे हैं, किस मात्रा में, कितनी मात्रा में, और कौन सी ऐसी अवस्था जिसमें सिंचाई हमें करनी चाहिए? जी, हम जब लीची में जल सिंचाई की बात करते हैं, जल प्रबंधन की बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि सिंचाई किस मात्रा में करनी और कितनी करनी है। कई बार देखा गया कि किसानों को अब बोलते हैं कि सिंचाई करना है तो सिंचाई के नाम पे एकदम से पानी दे देते हैं, तो वो भी नुकसान करता है। तो सबसे पहले लीची में जब ध्यान देना है कि सिंचाई कब से करनी है। पहला जो सिंचाई का समय है वो है जब फल जमाव हो जाता है, आपका लौंग का फल हो जाता है, उस सब से आपको हल्की सिंचाई, जो पौधे के चारों तरफ थाला बना हुआ रहता है उसमें हल्की सिंचाई करें। पहली सिंचाई आपको हल्की सिंचाई करनी है, ये जरूर है। उसके बाद में जो सिंचाई का जो अंतराल है उसको कम करें, और सिंचाई का जो अंतराल कम करने के बाद में हल्की सिंचाई हम आप बार बार करिए, और उसमें जब एक ध्यान चीज का जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि सिंचाई के साथ में वहां पे तापमान भी नियंत्रण करना आवश्यक है। हम उनको सलाह देते हैं कि जो थाला बनाया हुआ है उसमें या तो जो लीची के जो झड़ करके पत्ते नीचे गिरते हैं उनसे ढककर रखिए, या पुआल जो आपका जो भूसा पुआल जो भी है उससे आप उसको ढक करके जरूर रखें। जहाँ पे अंतर सस्यन करते हैं, जो लीची में बागों में जो सब्जी की खेती या अन्य फसलों की खेती करते हैं, तो वहाँ किसानों को हम सलाह देते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करना भी बहुत लाभदायक होता है। तो इसमें सिंचाई की दो पद्धतियां हैं, या तो आप थाला जो बना हुआ है उसमें हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर, और उसको जो नमी है उसको बनाए रखने के लिए पुआल से ढक करके जो थाला है उसको रखें, या जहां पर अंतर सस्यन किया हुआ है वहां पे स्प्रिंकल विधि से सिंचाई करें। तो इससे जो फलों में जो फटने की समस्या है और फल का जो फ्लैश बनता है, गुद्दा जिसको बोलते हैं, उसमें भी काफी बढ़ोतरी होती है, इससे ऐसा करने पर ये देखा गया है। चलिए बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से सही समय पर किया गया जो कार्य है उसका लाभ आपको मिल सकता है। और ख़ासतौर से डॉक्टर दिनेश, अगर जब हम गेहूं की भी बात करते हैं तो तापमान जो है उसका सीधा असर हम देखते हैं हमारी फसल पर, और इस बार भी शुरुआत से जिस तरह का अंदाजा लगाया गया था कि अगर सर्दियाँ इस तरह की रहती हैं तो इस तरह की फसल हमें मिल पाएगी, अभी जो तापमान की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में क्या कोई और विशेष सावधानी किसानों को बरतनी चाहिए? बिल्कुल, ऐसा मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में अचानक भी तापक्रम बढ़ सकता है, तो उस तरफ भी हमें जागरूक होना है।
और ऐसी अवस्था पे हम उसमें एक हल्की सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कभी कभी जो स्प्रिंकलर सिंचाई है, जो फव्वारा विधि से सिंचाई है, उससे भी लाभ मिलता है, तापक्रम का असर थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि लंबे समय में चल के इसका पता लगता है और इसके लिए हमारे जो वैज्ञानिक गण हैं उसमें लगातार अनुसंधान कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे समय पर शुरुआत से ही हमें मिट्टी के अंदर जैव पदार्थ बढ़ाना होगा। अगर हमारी मिट्टी के अंदर जैविक पदार्थ बढ़ जाता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है और सही समय पर हम बुआई कर लेते हैं गेहूँ की, तो ये जो बाद में हमारी गर्मी का असर आता है गेहूं की फसल में कम दाना भरते समय, उसको कम किया जा सकता है। डॉक्टर दिनेश, ईमेल के जरिए हमारे जो दर्शक हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सवाल हमारे पास आया है रमेश चंद जी का और फतेहाबाद हरियाणा से ये हैं। ये बता रहे हैं कि इन्होंने गेहूं की फसल में करीब 3 दिन पहले जो सिंचाई है वो की थी और जो अब गेहूँ है वो करीब 3 से 3.5 फुट का भी हो चुका है अब, और हल्का सा पीलापन लेकिन उसमें इनको दिख रहा है। क्या दोबारा सिंचाई इनको करनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई ज़रूरत से ज़्यादा पानी लगा देते हैं खेत में, खास करके अगर आपकी धान वाली मिट्टी है यानी भारी मिट्टी है तो उसमें ज़्यादा पानी लग जाता है, उसकी वजह से भी पीलापन आ जाता है। लेकिन दूसरा कारण उसमें रतुए का भी हो सकता है कि उसमें पीला रतुआ आ जाता है तो उसकी वजह से भी पीला रंग हो सकता है। इसके लिए आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाँच कराएं अपनी फसल की, और अगर आपके खेत में पानी अभी भी खड़ा हुआ है तो उस पानी को जरूर निकाल दें, क्योंकि ज्यादा पानी खड़ा रहने से आपकी फसल गिर भी सकती है। चलिए बिल्कुल, देखिए ये सावधानी आपको रखनी होगी, ज़्यादा पानी जो है वो आपके खेत में ना हो, उस निकासी का प्रबंध आप ज़रूर करें, वरना उसकी वजह से भी जो दिक्कत है वो आपकी फसल में हो सकती है। और किस तरह के कृषि कार्य आपको करने होंगे, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मांगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है, समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है, तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं गेहूं की फसल में किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए, साथ ही जो किसान लीची की बागवानी करते हैं आप कौन कौन से कृषि कार्य अभी कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो नंदस्वरूप जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? चलिए फिलहाल संपर्क हमारा जो है किसी वजह से हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ नहीं हो पा रहा, लेकिन ईमेल के जरिए भी लगातार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से ना सिर्फ गेहूं की फसल का उत्पादन जो है वो आपको अच्छा मिल पाए, बल्कि लीची की गुणवत्ता जो है, जो फल है वो भी आप अच्छा ले सकें। इस बारे में डॉक्टर जयपाल आपसे और जानकारी हम लेना चाहेंगे। अक्सर हम देखते हैं जो किसान हैं उनके, जैसे पहले आपने सिंचाई के बारे में बताया, पोषक तत्व प्रबंधन की अगर बात की जाए, उनको लगता है अगर ज़्यादा खाद हमने दे दिया, ज़्यादा पोषक तत्व दे दिए तो शायद अच्छा फलन हमें मिल सकता है। जैसे मैं आपसे बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पोषक तत्वों का उचित प्रबंधन लीची में बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे पहले मैं एक किसानों के बीच में एक बात रखना चाहूँगा, वो ये है लीची में तो हम पहले भी बात कर रहे थे, पोलिनेशन बहुत एक अनिवार्य अवस्था है, और इस समय में अगर समसामयिकी में देखेंगे लीची में अगर पुष्पन आया हुआ है तो उस पोलिनेशन का जो मैनेजमेंट है, एक लीची का बहुत महत्वपूर्ण कृषि कार्य, उस पर किसानों को ध्यान देने की जरूरत है। हमने यहाँ पर है जो एनआरसी लीची है, जो मुजफ्फरपुर में जो इसका मुख्य संस्थान है, जो रांची में हमारा
किसान है, हमने यहाँ पे देखा कि लीची में जो फल का जमाव होता है, वो फल जो जमाव होना किन किन कारणों से प्रभावित होता है, तो सबसे पहला कारक हमने पाया कि इसमें उचित जो पोलिनेटर्स होते हैं, जो जिनके द्वारा परागण एक फूल से दूसरे फूल में जाता है, उसकी मात्रा आवश्यक और निश्चित मात्रा होना बहुत जरूरी है। अगर आपका पोलिनेटर्स वहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो जो लीची का जो उत्पादन है वो 80-90% तक आपका गिर जाता है, आपका फल जमाव ही नहीं होगा। अगर आप कई बार फल जमाव उसकी अवस्था में इसमें बारिश हो गई या अन्य कारणों से परागण नहीं हो पाया है तो लीची में बहुत नुकसान होता है। तो किसानों की वजह से जो उपलब्ध है, अभी अगर हम इटालियन बी जिनको किसान काफी मात्रा में जिसका मधुमक्खी पालन करते हैं, दूसरा जो भारतीय जो मक्खी है एपिस सेरेना इंडिका, इन दो की कॉलोनी हम रिकमेंड करते हैं कि आप जो, क्योंकि जो लीची का जो मोस्ट इफेक्टिव पोलिनेटर है वो मधुमक्खियां हैं जी। अगर तो इन मधुमक्खी को जो बक्से हैं वो आप इसी समय में जब फूल खिल चुका है और जो मादा फूल है उसमें आपको नेक्टर दिखाई देना, नेक्टर मीन्स मधु जैसा चमकना दिखाई दे दिया है जी। तो उस पहले आपको रखना है, तो इन जो बॉक्सेस की मात्रा है वो कितनी रखनी है, तो हमने देखा कि आगे पीछे करके तो 10 पौधों पे एक जो हनी बॉक्स, जो हनी बीज का बॉक्स है जिसमें 4-5 कॉलोनीज रहती हैं, तो एक बॉक्स 10 पौधों प्रति 10 पौधों पे आप इस समय में जरूर रखें जो आप फल जमाव है जिसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। चलिए, यानी औसतन अगर एक बॉक्स हम रखते हैं 10 पेड़ों के बीच, तो उसके जरिए हमारा जो पॉलिनेशन का काम है वो और बेहतर तरीके से हो सकता है। और क्योंकि जितना जाहिर तौर पर हमारा जो फल है उसकी गुणवत्ता की जब हम बात करते हैं, उसके जमाव की हम बात करते हैं, ये भी ज़रूरी कि जो फल है वो बनना शुरू हो। और इसके साथ ही डॉक्टर दिनेश, एक और सवाल हमारे पास आया है सौरभ शर्मा जी का ग्वालियर से, ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी गेहूँ की फसल करीब 105 दिन की हो चुकी है, खेत में अभी पर्याप्त नमी भी मौजूद है लेकिन और दाने भी भर चुके हैं, क्या अभी पानी की आवश्यकता है फसल को? 105 दिन की फसल आपकी गेहूँ की हो चुकी है, इसका मतलब यह है कि उसमें दूध अवस्था है, दूधिया अवस्था है। तो जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि शुरू में जब दाना भरता है तो उसमें एक पदार्थ, लिक्विड पदार्थ, तरल पदार्थ या जिसे हम दूध भी नाम देते हैं, वो भरता रहता है और धीरे धीरे वो दाना पूरी तरह फूल जाता है और फिर ये सूखना शुरू होता है जी, पकना शुरू होता है, डफ स्टेज कहते हैं उसको। तो कुल मिला के अगर अभी आपके खेत में पर्याप्त नमी है तो आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से तापक्रम में वृद्धि हो रही है तो आने वाले 2-4 दिन बाद हो सकता है आपको पानी लगाने की ज़रूरत पड़ जाए जी। तो आपको पानी लगाना पड़ सकता है, हाँ अभी ना लगाएं आप, हो सकता है 10 दिन बाद 15 दिन बाद आपको इसमें पानी लगाना पड़े, एक हल्का पानी आप ज़रूर अपनी फसल में दे सकते हैं। चलिए बिल्कुल, अगला सवाल जो है ये मध्य प्रदेश रायसेन से है प्राण सिंह लोधी जी का, इनका ईमेल है, ये बता रहे हैं कि जो इनकी फसल है लगभग पके तैयार होने वाली है, करीब 10-12 दिन में शायद कटाई के लिए भी तैयार हो जाए, लेकिन ओलावृष्टि इनके क्षेत्र में हुई है, फसल आली हो चुकी है, ऐसे में इनको क्या करना चाहिए? फसल मतलब लगभग नष्ट हो चुकी है इनकी, फसल नष्ट हो चुकी है तो अब तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर उस खेत से आपके पानी हट गया हो तो आप जो भी आपके बचे हुए पौधे हैं, बालियाँ हैं, उनको आप बाहर निकाल लें, कम से कम आपको भूसा गेहूं का मिल जाएगा, साथ ही साथ थोड़ा बहुत दाना भी मिल सकता है। दाना आपको निश्चित तौर पर अच्छी गुणवत्ता का नहीं मिलेगा जी, लेकिन जो भी दाना आपको मिलेगा उसको आप पशुओं को खिला सकते हैं, दूसरे प्रयोगों में आ सकता है, तो उसको व्यर्थ ना जाने दें। और जो आपके खेत खाली हुए हैं उसमें अब हमारा जायद का जैसे सीजन कुछ समय में आ जाएगा, मूंग की फसल लगा सकते हैं या कोई और दलहनी फसल लगा सकते हैं, चारे की फसल लगा सकते हैं, सब्जी फसल लगा सकते हैं, तो आपके पास विकल्प उपलब्ध हैं जी। और इसके साथ साथ देखिए, हम उम्मीद यही करते हैं आपने अपनी फसल का बीमा भी कराया होगा, तो वहाँ से भी आपने संपर्क किया होगा जिससे आपके नुकसान की भरपाई भी हो सके, और उसके बाद एक दूसरा विकल्प जो है दूसरी फसल के रूप में, जैसा डॉक्टर दिनेश ने कहा, आप उसका भी चयन कर सकें जिससे आपकी जो आमदनी है उस वो ज़्यादा प्रभावित ना हो। इसके साथ ही डॉक्टर दिनेश जानना चाहेंगे आपसे, कई एक अलग अलग जो कीट हैं वो भी हमारे हम गेहूँ की फसल में देखते हैं, खासतौर से दीमक की भी अगर बात की जाए, एक बड़ी समस्या किसानों के लिए रहती है क्योंकि आए साल वो देखते हैं कि इस वजह से काफ़ी नुकसान होता है, इसकी क्या रोकथाम की जा सकती है? जी, दीमक एक ऐसा कीट है या कीड़ा है जो गेहूं की फसल की किसी भी अवस्था पर आ सकता जी, खास करके अगर सूखे की स्थिति हो, खेत में नमी की कमी हो, तब दीमक जल्दी फैलती है। किसान भाइयों को उस पर निगरानी करनी है, देखते रहना है, और दीमक जो है पौधे को जड़ से काट देती है। अगर उसका नुकसान आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है
तो इसके लिए आपको क्लोरपाइरीफास 3 लीटर दवाई, ध्यान से सुने, क्लोरपाइरीफास 3 लीटर दवाई, और इसको आप 20-25 किलो रेत में मिला लें अच्छी तरह से समान रूप से, और प्रति हेक्टर के हिसाब से इसको बुरक दें, और फिर एक हल्का सा पानी उसमें, बहुत ही हल्का पानी शाम के समय में लगा दें, तो ये कीट जो है इसकी बढ़वार रुक जाएगी, नियंत्रण हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो देखिए कैसे ये नियंत्रित हो सकती है। और इसके साथ ही डॉक्टर जयपाल, एक ईमेल हमारे पास आया है, ये बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार से जो रमेश हैं किसान, इनका ईमेल है, ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो फल का जमाव नहीं हो पा रहा है, क्या अभी सही समय है या अभी अगर कुछ समय बाद भी होता है तो सही रहेगा? क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि अब की बार जो रांची में अभी फल जमाव अभी शुरू है, तो रांची से जो मुजफ्फरपुर है वहाँ पे 10 से 15 दिन का डिफरेंस रहता है, 15 दिन के बाद में मुजफ्फरपुर में वहाँ पे फल जमाव, तो अभी मेरे हिसाब से उनको इंतजार करना चाहिए कि जो फल है वो जमाव होने में 10 से 15 दिन लगेंगे वहाँ पे अभी। जी बिल्कुल, साथ ही डॉक्टर जयपाल, क्योंकि जब हम लीची की बात करते हैं या दूसरे हमारे बागवानी के पौधे हैं, उसमें कटाई छटाई की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है, क्या अभी जिस तरीके से जमाव की हम बात कर रहे हैं या जो हमारी नई पौध जो नई डालियां आती हैं उन पर जो फल आता है, तो वहाँ भी क्या ये भी महत्वपूर्ण है कि हमने उससे पहले जो प्रबंधन कार्य हैं वो सही से किए हैं या नहीं किए हैं? जैसे अगर अब आपको जो, क्योंकि जो फलन जो होता है वो लीची में जो नया सूट आता है उसके ऊपर उसका फूल आता है, जैसे आम में होता है कि आम में जो एक साल पुरानी डाली होती है उस पे फूल आता है, लेकिन लीची में क्या होता है जो नया सूट जो सितंबर अक्टूबर में आया है उसके ऊपर ही पुष्पन होता है और फलन होता है। तो इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि जैसे ही हम फल तुड़ाई करते हैं मई जून के महीने में, तो उसी समय में जो जी बेहद ज़रूरी कि लगातार जो सावधानी है वो हम बरतें, निगरानी भी करते रहें, और अगर इस तरह के लक्षण नजर आते हैं जी, तो ये देखिए यहाँ डॉक्टर बता रहे हैं जी, 20 से 25 साल से ज्यादा का पौधा है जो गहरे घने हो गए हैं, तो उनको सेंटर ओपनिंग के लिए जून जुलाई में फल तोड़ने के बाद में हम रिकमेंड करते हैं कि 2-3 साल में एक बार जरूर करें, और जो 40 साल से ज्यादा पौधे हो गए, उम्र से ज्यादा पौधे हो गए हैं उनमें रिजुवेनेशन करें, और जो जहाँ पे किसान जो तकनीकियां हैं रिजुवेनेशन की कैसे करना है क्या करना है, सेंटर ओपनिंग तो सिंपल है, लेकिन जो रिजुवेनेशन मेथड्स हैं वो एनआरसी लीची मुजफ्फरपुर में या रांची में जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनसे संपर्क करें, क्योंकि वो थोड़ा उसमें टेक्निक होती है, पौधे मरने की संभावना भी रहती है अगर आपने ढंग से नहीं किया है, लेकिन इसके बाद में होता क्या कि पौधा एकदम से वापस नया हो जाता है, तो ये जो आपको छत्रक प्रबंधन है वो जरूर इसमें लीची में करना चाहिए। चलिए बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से अच्छा उत्पादन जो है आने वाले समय में आपको मिल सकता है। और साथ ही गेहूं फसल की अगर बात की जाए डॉक्टर दिनेश, इसमें आपने पहले जिक्र किया था पीला रतुआ रोग का, साथ ही एक काला रतुआ रोग भी इसमें हम देखते हैं, किस तरह का फर्क और क्या कैसे इनकी पहचान जो है हमारे किसान कर पाते हैं? देखिए पीला रतुआ आपके फरवरी मार्च में आता है, और इसमें होता क्या है कि पीले रंग की पट्टियाँ सी बन जाती हैं पत्ती के दोनों तरफ, लहरदार पट्टियाँ सी बन जाती हैं पीले रंग की, और धीरे धीरे इसका रोग का विकास होता रहता है, और फिर पूरा जो पत्ती है वो पीले रंग की हो जाती है जी। और उस पे पाउडर भी दिखाई देने लगता है पीले रंग का, जो खेत में नीचे जमीन पे गिर जाता है, अगर किसान भाई उस समय अपने खेत में घूम के देखें तो उनके कपड़ों का रंग भी पीला हो सकता है, कपड़ों पे पाउडर आ जाता है, और फिर पौधा सूख जाता है, और अगर ये थोड़ी देर की अवस्था पे आता है रोग तो बालियों में आपके दाने नहीं बनते या बहुत ही सिकुड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, कई बार तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है, ये पीले रतुए की बात है। काला रतुआ जिसको तने का रतुआ या गेरुई रोग भी कहते हैं तने का जी। इसके भूरे काले रंग के धब्बे बनते हैं चतुर्भुज के आकार के, जो तने और पत्तियों दोनों पे बनते हैं भूरे काले रंग के धब्बे, फिर धीरे धीरे फैल जाते हैं और पूरा पौधा भी आपका सूख सकता है। तो कई बार ये रोग आ सकते हैं गेहूं की फसल में, खास करके जो पीला रतुआ है वो तो आम तौर पे आ ही जाता है, तो इन दोनों का नियंत्रण जरूरी हो जाता है जी। और नियंत्रण के लिए शुरू में जैसे किसान भाई समझते हैं कि बीज उपचार का भी महत्व होता है, बीज उपचार तो किया ही जाए, साथ ही साथ इस समय जो अवस्था है उसमें आप जो प्रोपेकोनाजोल है उसका 0.1% का घोल बनाएं, जिसके लिए 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से 500 लीटर घोल प्रति हेक्टर के हिसाब से आप
छिड़काव करें, लेकिन करना तभी है जब आपको रोग लगे कि भाई आ गया है और ठीक ठाक मात्रा में रोग फैला हुआ है, तभी आप इस दवाई का प्रयोग करें। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से आप पहले देख लें क्या अवस्था है और उसके बाद ही उसी ढंग से जो उपचार है वो आपको करना चाहिए। और उसके लिए बेहतर स्थिति ये भी जो आपके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं या कोई और कृषि विशेषज्ञ हैं, उनसे आप संपर्क ज़रूर करें, उनसे सलाह आप ज़रूर लें। फिलहाल हमारे जो विशेषज्ञ आपको सलाह दे रहे हैं, आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो। उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं गेहूं की फसल में किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए, साथ ही लीची की बागवानी अगर आप करते हैं तो कौन कौन से कृषि कार्य आपको करने होंगे जिससे आने वाले समय में अच्छा फलन आपको मिल सके। और यहाँ डॉक्टर जयपाल, एक और ईमेल हमारे पास आया है मोहन सिंह जी का उत्तराखंड से। ये बता रहे हैं कि जब लीची का फल आता है तो अधिकतर फल फटने लगते हैं, इस वर्ष इस तरह की स्थिति ना हो, क्या उसके लिए कुछ पहले से ये कर सकते हैं? जी, इसके लिए जो उत्तराखंड से या कहीं से भी जो भी लीची की खेती करते हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या फलों के फटने की है, क्योंकि जैसे ही तापमान या जैसे फल फटना शुरू होता है लास्ट में तो फल फट जाता है और उससे उसका खाने लायक नहीं रहता है। तो इसके लिए अभी से दो चीज़ इसमें महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि आपको फल का जो उसके चारों तरफ कवर है उसकी इलास्टिसिटी बनाए रखना है। तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण है, पहला है कि जो आपने पहले पोषक तत्व प्रबंधन किया वो तो आपका अभी हाथ में नहीं है, लेकिन अभी आपको जिंक और बोरोन की कमी नहीं होने देना है, तो उसके लिए आपको बोरिक एसिड या जिंक दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, दो ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या जो मार्केट में मल्टीप्लेक्स जिसमें सारे पोषक तत्व मिले हुए रहते हैं उनका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। आपको अगर बोरिक एसिड कर रहे हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से, जिंक का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, जैसे ही फल जमा होते हैं आपको तुरंत तक 10 से 15 दिन के अंतराल पे आपको 2-3 स्प्रे करने हैं। इससे क्या होगा, जो इलास्टिसिटी है फल की वो बनी रहती है जी। और दूसरा, जैसे ही फल, क्योंकि कई बार देखते हैं कि अगर वहाँ पे बारिश हो गई है या पानी ज्यादा एक साथ से दे दिया है तो फल बहुत जल्दी से फटता है, तो जो मैंने पहले बोला सिंचाई का प्रबंधन, आप हल्की सिंचाई करिए नियमित अंतराल पे जी, और पौधे को और या पत्तियों से ढक कर रखे तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो तापमान को ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं करने देगा जड़ क्षेत्र में, तो जो लीची को फटने की समस्या है वो कम होगी।
चलिए बाबू, तो देखिए कैसे जो समस्या है इसको काफ़ी हद तक हम रोक सकते हैं, क्योंकि तापमान देखिए हर एक फसल को प्रभावित करता है और उसी की वजह से हम देखते हैं अलग अलग जो स्थिति है वो फसल में नज़र आती है। और ख़ासतौर से ना सिर्फ अगर हम तापमान की बात करें बल्कि गेहूं की फसल में डॉक्टर दिनेश हम देखते हैं कभी कभी जो चेपा होता है उसका भी असर हमें नज़र आता है बालियों पर, तो उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? जी किसान भाई समझते हैं कि चेपा क्या होता है, इसमें माहू कीट कहते हैं इसको जी। बहुत छोटे छोटे मच्छर के आकार के जो हरे पीले रंग के या काले से हरे काले रंग के कीट होते हैं, और ये पहले आपके सरसों में आते हैं जैसे और मटर में आते हैं, इसी तरह कहीं कहीं पे गेहूं में भी चेपा कीट दिखाई देता है। और ख़ास करके अगर मौसम में नमी ज़्यादा हो और बदली छाई हो, कई दिन तक बादल ऐसा भी मौसम हो जाता है कई बार, तब इसके आने की संभावना होती है। तो इसके जो शिशु और प्रौढ़ होते हैं, जो वयस्क होते हैं, दोनों तरह के कीट जो हैं छोटे आकार के होते हैं, ये पत्तियों का और बालियों से और तने से रस चूसते हैं। आप इनकी पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं, किसान भाई पहचान सकते हैं इनको जी। और सामान्य तौर पर ये नहीं आते हैं, लेकिन कई बार अगर आ जाते हैं तो काफ़ी नुकसान कर देते हैं। और अगर ये आपको खेत में ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं तो आप इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवाई का प्रयोग कर सकते हैं जी। 1 मिलीलीटर दवाई प्रति 3 लीटर पानी, ध्यान से सुने, 1 मिलीलीटर दवाई प्रति 3 लीटर पानी, ऐसा आप 500 लीटर घोल बना लें और प्रति हेक्टर के हिसाब से गेहूं की फसल में छिड़क दें। लेकिन ये छिड़काव तभी करना जब आपको लगे कि कीट बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके खेत में आ चुका है और इसके बिना कोई चारा नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए आपको अवस्था उसकी देखनी होगी। साथ ही हरियाणा से एक और ईमेल हमारे पास आया है वीरपाल जी का, ये डॉक्टर दिनेश जानना चाह रहे हैं कि जो ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें करनाल बंट का असर जो है वो नहीं होता। देखिए तो उसी क्षेत्र से हैं जी, और इस तरह की किस्मों की जानकारी आप जो भारतीय गेहूँ एवं जो अनुसंधान केंद्र है हमारा करनाल में, वहाँ से विस्तार से आपको कौन कौन सी किस्में जो रस करनाल बंट के प्रतिरोधिता रखती हैं उनकी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। और अभी तो समय है, काफी लंबा समय है जब आप गेहूं की बुआई करेंगे, 1 साल जी 8-10 महीने हैं अभी जी। लेकिन इसमें किस तरह के लक्षण या हम अगर बात करें इसकी रोकथाम कहां तक हो पाती है? जी बिल्कुल, करनाल बंट ये एक तरह का फफूंद जनित या कवक जनित रोग है। इसकी पहचान जब हमारी फसल गेहूं की बढ़ रही होती है तब नहीं लगता पता, इसकी पहचान तभी पड़ती है जब बालियां बन जाती है और उसमें दाने बन जाते हैं, और ये दाने आकार में छोटे होते हैं, काले रंग के हो जाते हैं और एक तरह से उसमें से कुछ स्मेल सी भी आती है, अर्गट बन जाता है उसका। तो इस तरह के दाने गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, और जरूरी नहीं एक पौधे में जो आपकी बाली लगी है उसके सारे दानों में इसका प्रभाव हो, कुछ दाने इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर गेहूं की जो गुणवत्ता है वो इससे प्रभावित होती है। आपको शुरू में ही बीज का उपचार करना है, कई बार पानी में जो इसके अर्गट होते हैं बने हुए होते हैं वो आप बाहर कर सकते हैं, बीज का उपचार कर सकते हैं, और अगर पहले से कोई अंदाजा हो जाए तो इसकी रोकथाम आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो रोकथाम है वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी कि अगर जिन क्षेत्रों में आता है तो ऐसी नई किस्मों का आपको चयन करना चाहिए जिससे कि इस तरह का जो रोग है वो आपकी फसल में ना आए। साथ ही यहाँ डॉक्टर जयपाल आपसे भी हम जाना चाहेंगे, एक और ईमेल हमारे पास आया है, किस जगह से हैं, उन्होंने अपने स्थान का नाम तो नहीं लिखा है, अजय पाल हैं, ये जानना चाह रहे हैं क्या जो लीची की गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए उसको उसकी पैकेजिंग हम कर सकते हैं जो कागज़ के लिफाफे हैं उनसे? जी लीची की गुणवत्ता बनाने के लिए मैं जो वीरपाल जी हैं उनको बताना चाहूँगा कि अभी जो पिछले साल ही हमारा जो केंद्र है वहाँ से एक तकनीकी निकली है कि उसका जो फल होता है, पहले जो एक किसान और थे वो भी पूछ रहे थे फटने की समस्या है, तो मैंने पोषक तत्व प्रबंधन और जो जल का प्रबंधन तो बताया था, उसके साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर लीची को पॉलीप्रोपेनाइल जो बैग्स आते हैं मार्केट में आप देखेंगे, इसमें अमेजोन पे भी मिलते हैं पॉलीप्रोपेनाइल बैग्स आते हैं जो पिंक कलर और सफ़ेद कलर दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। जब लीची आपकी तुड़ाई से 1 महीने पहले, मतलब जब लीची का जो फल है मटर के दाने जैसा हो
और फल बढ़ रहा हो उस समय में बैगिंग करते हैं। बैगिंग मीन्स जो फल का गुच्छा होता है उसको इस बैग के अंदर डाल देते हैं, फल पौधे के ऊपर लगे हुए उसी को, तो उसका जो फल निकलता है उसकी जो कीपिंग क्वालिटी और जो गुणवत्ता होती है जी वो बहुत अच्छी होती है। आप उसको दूर तक भी भेज सकते हैं, जो सड़ने वाली समस्या जल्दी उत्पन्न नहीं होती है। तो किसान भाई सिंपल तकनीकी है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बिल्कुल साथी डॉक्टर जयपाल, जैसा आपने बताया कि जब पकने की अवस्था है उससे पहले हमें इस तरह के कार्य करने चाहिए, लेकिन किस तरीके से और जो लक्षण है उसकी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे किसान हैं वो ये भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द फल जो है वो बाजार में पहुंचे, पहले अगर पहुंच जाएगा तो अच्छा दाम उनको मिल पाता है, ऐसे में किस तरह की सावधानी उनको बरतनी चाहिए? जी देखिए कि जैसे आपका जो इसमें फल का तुड़ाई होता है, ये फल इसमें आपका तुड़ाई के बाद में नहीं पकता है, जो फल होता है वो पौधे पे ही पकता है। तो आपको पहला है कि जो आप कौन सी किस्म का चुनाव कर रहे हैं, अर्ली का कर रहे हैं, मध्यम का कर रहे हैं या लेट का कर रहे हैं जी, तो उस पर डिपेंड करता है। और आप कहाँ पे बुआई कर रहे हैं, जैसे जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं वहाँ पे फल सबसे पहले आता है, और हम जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ फल सबसे लास्ट में पकता है जी। तो ये सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इसमें फैक्टर हैं जो पौधों की जो फलों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और फलों का ज्यादा फलन हो इसके लिए बीमारी और कीट की अगर लीची में हम बात करते हैं तो बहुत ससेप्टिबल है। पहले अभी के समय में जो पुष्पन आया हुआ है, हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं किसानों को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी का मौसम है जैसे बारिश हो जा रही है जी। एक बारिश के बाद में देखते हैं कि पूरा जो जो मंजर है फल का जो पुष्प मंजर है वो झड़ करके एक डंठल के रूप में रह जाता है और पीला पीला दिखाई देता है। किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या रीजन हो रहा है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ किसानों को कि ये जब जैसे ही बारिश होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो उस समय में आपके जो फूल हैं, जो पुष्पन है उस पे डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप होता है, जो एक कवक जनित बीमारी है इसका प्रकोप होता है। जैसे हम आमतौर पे पहले से करते आ रहे हैं कि लीची के लिए बारिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये भी एक उसका नकारात्मक इफेक्ट देखा गया है कि जैसे ही बारिश हो रही है वहां पे आपका जो पुष्पन है उसमें डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप हो जाता है। तो किसान जैसे भी हो, बारिश हो रही है बहुत अच्छी है, लेकिन इस समय में जैसे जहाँ पे बारिश हो जा रही है वहां पे हेक्साकोनाजोल या प्रोपीकोनाजोल, जो फंजीसाइड मैंने दो नाम बोले हैं, या तो हेक्साकोनाजोल या प्रोपीकोनाजोल, दोनों में से किसी एक फंजीसाइड 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप एक छिड़काव जरूर करिए, अन्यथा आप तो पूरा जो मंजर है वो झड़ करके पूरा डंठल बचता है और फल की जो देने की समस्या बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, यानी देखिए फायदा और नुकसान बारिश की वजह से दोनों ही स्थिति सामने आ सकती हैं। और बारिश की वजह से डॉक्टर दिनेश, हम देखते हैं गेहूं की फसल में भी नुकसान जो है वो देखने को मिलता है, हालांकि इस वर्ष की अगर बात की जाए तो इस तरह से अभी तक इतना नुकसान नहीं है और रिकॉर्ड उपज की हम बात करते हैं, लेकिन अगर अगर हल्की फुल्की बारिश भी हो जाती है और फसल लगता है कि थोड़ी सी मुरझा गई है, गिर जाती है, तो वहाँ पे किसानों को क्या करना चाहिए? देखिए ये बड़ी आम चीज है गेहूं की खेती में कि ऐसे समय पे बारिश आ जाती है जब आपके बालियां वजन बढ़ जाता है, बालियों में दाने बनना शुरू हो जाते हैं। हाल में ही महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है जहां पे ओलों के साथ बारिश हुई और फसल को काफी नुकसान हो गया, पानी भर गया खेतों में जी। तो ऐसी दशा में तो नुकसान वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके हल्की फुल्की आपके बारिश हुई है तो उससे ऐसी दिक्कत नहीं होती, उससे तो बल्कि फायदा ही होता है। हाँ, कहीं तूफान आ जाए, ज्यादा बारिश हो जाए, तब उससे दिक्कत आती है। जहाँ तक प्रबंधन की बात है तो इसमें कुछ पानी निकालने के अलावा ज़्यादा बारिश होने पर कुछ बहुत ज़्यादा किसान के हाथ में नहीं होता और पानी निकाल के उसके नुकसान को थोड़ा आप कम कर सकते हैं जी, क्योंकि डॉक्टर दिनेश किसान जो है जानकारी वो भी पूरी रखते हैं कि हर साल उन्हें अलग अलग तरह के जो प्रबंधन कार्य है वो करते ही हैं हर फसल में, लेकिन ये भी कितना जरूरी कि एक फसल की जो सही अवस्था है, पकने की अवस्था है, उस अवस्था पर ही समय रहते कटाई अगर कर लें तो इस तरह के जो नुकसान है शायद उनसे बचा भी जा सकता है। जी बिल्कुल, ऐसा होता है कि अब कुछ समय बाद, 1 महीने बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, कहीं पे जल्दी मध्य प्रदेश या कुछ गर्म इलाकों में गेहूं जल्दी कटना शुरू हो जाता है और उत्तरी भारत में हमारे ये 20 अप्रैल के बाद कटना शुरू होता है जी। तो
कुल मिला के समय पे जैसे ही आपको लगे कि गेहूं की फसल पक के तैयार हो गई, आप किसी भी चीज़ का इंतजार ना करें, तुरंत अपनी तैयार फसल को काट लें और 2-3 दिन सुखाने के बाद जल्दी से जल्दी आप उसकी घाई करके, थ्रेशिंग करके और भंडारण तक उसको आप पहुँचाएँ। तो बिल्कुल सही समय पर अगर आप काम करते हैं तो आपको परिणाम अच्छे मिलते हैं, और अगर आप देरी से कोई भी काम करते हैं तो खर्चा तो उतना ही आता है और काम भी वही रहता है, लेकिन आपको नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो समय की बहुत कीमत है खेती बाड़ी में। बिल्कुल, देखिए समय जो है उसकी कीमत काफ़ी है कि और किस तरह का महत्व है ये हर एक किसान जो है वो जानता है, और समय का महत्व हमें भी समझना होगा। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म? हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं गेहूं की फसल में किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए, और अगर आप लीची की बागवानी करते हैं तो कैसे आपको अच्छा फलन मिल सकता है, कौन कौन से कृषि कार्य आपको इस समय करने होंगे। साथ ही डॉक्टर जयपाल, एक और ईमेल हमारे पास आया हुआ है बिहार से, राकेश मोहन है, ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से अच्छा फलन जो है हमें मिल सकता है, कभी कभी जो पत्तियाँ हैं वो बता रहे हैं कि मुरझाने लगती हैं किसी वजह से। मैं राकेश मोहन जी को बताना चाहूँगा कि जो उनकी पत्तियाँ हैं, जो पत्तियाँ मुरझाने की जो बोल रहे हैं, पत्तियाँ अगर वो देखेंगे तो मुरझाती नहीं है, पत्तियाँ उनकी सिकुड़ करके और सिकुड़ी हुई दिखाई देती है। अगर पीछे से घुमा करके देखेंगे तो पीले रंग के धब्बे उनपे दिखाई देंगे बड़े बड़े। ये राकेश जी, आपके खेत में जो आपकी जो लीची है उसमें माइट का अटैक हुआ है, माइट क्योंकि इसमें दिखती नहीं है, और इसकी माइट लीची की माइट अलग होती है, और उससे पत्तियां आपको दूर से ऐसे लगेगी मुरझाई हुई है और एक तरह से इकट्ठी हुई हुई है, तो इसमें माइट का प्रॉब्लम होता है। और माइट अभी जैसे लीची के बागानों में जहाँ पे अगर जहाँ आसपास में धूल वाला वातावरण है उस जो बगीचे हैं उनमें माइट की समस्या ज्यादा रहती है, तो सबसे पहले जो माइट प्रभावित जो भाग है उसको काट करके हटा दें, और दूसरा आवश्यकता अनुसार, क्योंकि अभी आप छिड़काव नहीं करना है क्योंकि पुष्पन का समय है, लेकिन अगर बाद में जैसे ही आपका फल जमाव हो जाता है, पोलिनेटर्स की संख्या कम हो जाती है, तो उस समय में आप पे प्रोपरजाइट जो ओमाइट के नाम से आपको मार्केट में मिलेगी 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको छिड़काव करना है जी। अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो उसमें हमने देखा है कि जो नीम आधारित कीटनाशक जैसे एजाडिरैक्टिन है,
जो 3000 ppm वाला है उसको 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप 10 से 15 दिन के अंतराल पे अभी 2-3 स्प्रे करिए, और उसके बाद में सितंबर या अक्टूबर महीने में भी आपको 1-2 छिड़काव बारिश के जब खत्म होने वाली हो उस समय में जब नया पत्ता निकलता है तब करिए। तो कीट ग्रसित बाग को काट के हटा देना है और कीटनाशक जो मैंने आपको बताया उनका छिड़काव करना है। बिल्कुल, देखिए समय रहते हमें जो तमाम जानकारी डॉक्टर जयपाल यहाँ दे रहे हैं उसको देख लेना चाहिए, इस तरह के अगर लक्षण नज़र आ रहे हैं तो समय रहते आप उसके लिए जो प्रबंधन है वो कर सकें। फिलहाल मध्य प्रदेश से हमारे पास एक मिला है हरीश जी का। डॉक्टर दिनेश, ये जानना चाह रहे हैं कि जो बालियाँ हैं ऊपर से पीली पड़ रही हैं, कुछ एक बालियाँ जो हैं, क्या किस तरह का रोग है या इनको क्या करना होगा? देखिए इन्होंने पूरा लक्षण नहीं बताए हैं क्योंकि पत्तों पे भी बताना ज़रूरी होता है जी। पत्तों पे कई बार ऐसा होता है झुलस जाते हैं या बहुत मामूली नुकसान होता है, तो मैं नहीं समझता अभी यहाँ से तो पता नहीं लगेगा जी। लेकिन कोई बहुत सीरियस बहुत गंभीर समस्या नहीं है, फिर भी आपको सेफ टू बी सेफर साइड आप जो कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय हो आपके पास जी वहाँ आप संपर्क करें या फिर किसी किसान का किसी वैज्ञानिक का व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाए, प्रोग्राम के बाद में मैं आपको भेज दूंगा और आप उसकी पिक्चर हम लोगों को भेज दें तो हम उसकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर कर देंगे जी। बिल्कुल, और खासतौर से डॉक्टर दिनेश हम देखते हैं क्योंकि जब लगातार जो किसानों के खेत होते हैं एक साथ होते हैं और एक जगह लगता है कि जो फसल है काफ़ी अच्छी आ रही है भले ही उतनी उसकी बढ़वार ना हुई हो, लेकिन दूसरी फसल है जिसकी बढ़वार हुई है लेकिन बालियाँ उतनी अच्छी नहीं दिखती, और ऐसे में किसान शायद जो खाद है वो ज़्यादा देने लगते हैं अपने खेत में कि जिससे अच्छी उपज हमें मिल पाए, कितना नुकसान इससे हो सकता है और लागत तो इसके ज़रिए बढ़ ही रही है कहीं ना कहीं जी। बिल्कुल, देखिए तुलना कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर जो किसान है उसकी स्थिति अलग होती है, कोई किसान दूसरे तरह की किस्म लगाता है, किस्मों का भी फर्क होता है, किसी किसान की जो मिट्टी है मिट्टियों में भी अंतर होता है, एक किसान की मिट्टी स्वस्थ है अच्छी है बहुत उपजाऊ है और उर्वरा शक्ति भी ठीक है तो इसमें आपको कम उर्वरक डालना पड़ेगा, और दूसरी वाली जो कमज़ोर मिट्टी है उसमें तुलनात्मक दृष्टि से आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो कभी भी किसी को एक दूसरे की होड़ नहीं करनी चाहिए, जो अपनी स्थिति हो अपनी दशाएं हो उसके हिसाब से काम करना चाहिए, और जो हमारे इनपुट्स हैं आदान हैं जो हम लगाते हैं खाद उर्वरक पानी वो हम आवश्यकता अनुसार लगाएं, ना कि पड़ोसी की जरूरत के हिसाब से पड़ोसी क्या कर रहे हैं, बल्कि उसको भी आप समझाएं कि भाई ज़्यादा किसी भी चीज़ का प्रयोग ना करें, आप वैज्ञानिक आधार पर अपनी कोई भी खेती का कार्य हो उसको करें जी। बिल्कुल, तो देखिए एक यानी कहा जाए तो एक वैज्ञानिक आधार जो है आपको जानना चाहिए कि आखिर किस वजह से जो अलग अलग परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं उसका कारण क्या है। साथ ही यहाँ डॉक्टर जयपाल जी आपसे भी जानना चाहेंगे और किस तरीके से फिर चाहे फल के जमाव की हम बात करें या अच्छा फलन जो है मिल सके, कोई ऐसी विशेष सावधानी जो दर्शकों को आप बताना चाहें? जी बिल्कुल, मैं पहले एक बार एक किसान पूछ चुके थे कि जो लीची की मुख्य समस्या फल का फटना, एक दूसरी समस्या है जो फल होते हैं वो बीज जमाव के बाद में झड़ना शुरू करते हैं लास्ट तक झड़ते रहते हैं, तो किसान भाई इसमें दो मुख्य कारण होते हैं कि फल झड़ते क्यों है, लीची में बहुत ज़्यादा फल झड़ने की समस्या रहती है। पहला कारण है जो मैंने आपको बताया कि आपको जो नमी की मात्रा है उसको हमेशा आगे पीछे बना के रखना है, हमेशा बनाए रखना है जिससे तापमान की जो बगीचे का तापमान है वो ज़्यादा फ्लैक्चुएट न करे, पहला। दूसरा, उसमें बहुत सारा हम देखते हैं कि जो बीज भेदक नामक एक कीट होता है जो लीची के जो बीज होता है उसके अंदर में छेद करके उसको खाता है, तो उसकी वजह से भी आपका फल बहुत झड़ता है, और यह कीट अगर आपको फल जो फूल जो फल पकने के बाद में भी ऊपर में आप कई बार देखते हैं ये फल जिस जो कीट है उसका प्रकोप आपको मिलता है, इस कीट की वजह से फल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो आप पहला नमी प्रबंधन और दूसरा जो कीट का प्रबंधन है वो करना है। कीट प्रबंधन के लिए आप किसान भाई जरूर ध्यान दें, जो हमने यहाँ पे बहुत सारे कीटनाशकों के रिसर्च करके पाया है कि इसमें क्योंकि लीची जो है उसमें फ्लैश भी रहता है तो इमामेक्टिन बेंजोएट कीटनाशक है उसको 1 ग्राम को 4 लीटर पानी में आप उसका छिड़काव करें, या अल्टरनेटिवली आप नोवाल्यूरोन जो 10 EC का आता है उसको 1 ml प्रति लीटर के पानी के हिसाब से 10 से 15 दिन के अंतराल पे जैसे ही आपका फल मटर के दाने का हो उसके बाद से आपको 2 या 3 छिड़काव जरूर करना है जी। अगर इस हो जाती है तो उसके बाद में एक छिड़काव
अति आवश्यक हो जाता है। चलिए, यानी छिड़काव जो है वो समय से आप करते रहें, और कोई भी कीटनाशी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी दवा का इस्तेमाल करें, तो उसकी जो एक निश्चित मात्रा है, निश्चित अनुपात में ही आप उसका इस्तेमाल करें। फिलहाल डॉक्टर जयपाल सिंह जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार जी। साथ ही डॉक्टर दिनेश, आपसे भी हम जानना चाहेंगे और कोई वैसी विशेष सावधानी जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें संक्षेप में। जी, इस समय पे पानी का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, सही मात्रा, सही समय, क्योंकि अगर आपने गेहूं में ज़्यादा पानी लगा दिया और हवा भी आजकल चलती है आमतौर पर, तो आपका गेहूँ गिर सकता है। दूसरी तरफ अगर नमी की कमी होगी, पानी नहीं है, मिट्टी में नमी नहीं है, तो आपका दाना अच्छे से नहीं भरेगा। तो कुल मिला के पर्याप्त नमी तो मिट्टी में रखनी पड़ेगी, और दूध बनने की अवस्था पे एक आपको हल्का पानी लगा देना चाहिए, और ये पानी आप शाम के समय में लगाएं। जब शाम के समय में हवा कम चलती है तो गेहूं के गिरने की संभावना कम होती है। चलिए, इस बात का देखिए ख्याल जो है वो हमारे दर्शकों को रखना होगा, यानी जो हमारे किसान गेहूं की खेती कर रहे हैं वो बेहतर ढंग से इन सभी कृषि कार्यों को करें। साथ ही डॉक्टर दिनेश, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने भी दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से गेहूं की फसल में उचित प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए। अब चलिए, हमारे जो अगले विषय रहेंगे उनके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। आपको हम बताएंगे किस तरीके से कृषि में उचित जल प्रबंधन आपको अपनाना चाहिए, कितना लाभ इसका, और साथ ही बात होगी नींबू वर्गीय फलों की खेती की भी। आपको बता दें, अपना कोई सवाल या सुझाव आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो ई मेल आप हमें कर सकते हैं। मेल आई डी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर, यहाँ भी अपना सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को याद होगा, याद नहीं है तो नंबर आप याद कर लीजिए, ये नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं, इस पर भी अपना सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और यहां हेलो किसान के साथ अपनी सारी जानकारी आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Vegetable soup.